हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को जरूर लाभ होगा। अगर चेहरा नहीं घोषित किया जाता तो कार्यकर्ता और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। प्रदीप टम्टा का कहना है कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा देर से घोषित किए जाने पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। ऐसे में हरीश रावत भी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए जिससे पार्टी को चुनाव में लाभ मिल सके। कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और राज्य के 2002 से लेकर 7, 12, 17 के आप उदाहरण दिया। मेरा कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसने हर राज्य की विशेष स्थितियों के हिसाब से समय पर मुख्यमंत्री के चेहरे को भी घोषित किया है किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा आपके माध्यम से भी प्रदेश प्रभारी से भी आग्रह है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूँगा भी, हम सब मिलेंगे, कि इस राज्य में कांग्रेस की एक बड़े वर्ग की भावना है। विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन है, मेरे जैसे एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, उनको हमारी इस भावना को राष्ट्रीय नेतृत्व के समय रखना चाहिए। हमारा एक ही भाव है कि अगर 22 में आप हरीश रावत जी को चेहरा बनाते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, तो पार्टी के लिए हितकारी होगा। और हमने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी हो, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई दूसरा सोच है हम उसके साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे जिससे कि कार्यकर्ताओं में भी और राज्य की जनता को भी, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5-6 सालों में इस प्रश्न पर चुनाव लड़े हैं और इस समय उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ही नहीं अक्रॉस तमाम राजनीतिक दलों के बीच में हरीश रावत जी का के से बड़ा कद कोई नहीं है।